नमस्कार। खबर बड़ी है, खबर इस वक्त पर इसलिए भी खास है क्योंकि राम मंदिर को लेकर लगातार बातचीत हो ही रही है। राम मंदिर को लेकर जो दान की बात कही जा रही थी, उसमें जो ट्रस्ट है उसमें 1 अरब का दान आ चुका है और 2 क्विंटल से ज्यादा यानी 200 किलो से ज्यादा चांदी पहुंच चुकी है। तो अब भैया राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है, भक्तों से ये अपील की जा रही है कि आप लोग जो दान देना चाहते हैं वो कैश में दीजिए और ये जो सोना चांदी लगातार भेजा जा रहा है, खासतौर पे चांदी के लिए स्पेसिफिकली कह दिया है कि अब आप चांदी मत भेजिए, 2 क्विंटल चांदी हमारे पास पहले ही आ चुका है दान के जरिए। अच्छा, इसके इसमें दिक्कत क्या हो रही है, दरअसल ये बात भी है कि जब आप सोना और चांदी भेजते हैं तो इसका कहीं ना कहीं आपको इसको लेकर के आपको इनकी जो प्रमाणिकता है इसको लेकर के भी आपको एक सर्टिफिकेट जारी करना पड़ता है। मतलब कि सोना जो आपको डोनेट किया गया है या जो चांदी आपको भेजा जा रहा है, क्या ये असली सोना या असली चांदी है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। तो जब आप ट्रस्ट के पास ये सोना भेजते हैं या चांदी भेजते हैं तो उनका काम इसलिए भी बढ़ जाता है कि उसको पहले उसका टेस्ट किया जाए, यानी उसे वेरीफाई करा लिया जाए कि अगर सपोज़ ये 22 कैरेट का, क्योंकि 24 कैरेट का आमतौर पर सोना आप यूज़ तो नहीं करते हैं, चाहे आप ज्वेलरी के लिए यूज़ करें या फिर कहीं दान देने के लिए यूज़ करें, तो आप 24 कैरेट का सोना जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसे अगर आप हाथ से मुड़ेंगे तो वो मुड़ जाएगा। इसीलिए आमतौर पर जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है या गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो तकरीबन 22 कैरेट के होते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक तरह से फिर वो ट्रस्ट का जो है काम वो बढ़ जाता है। चांदी के साथ भी आप इसी तरह से कि उसे टेस्ट करा लिया जाए, उसे वेरीफाई करा लिया जाए और उसके बाद, लेकिन जब आप कैश डोनेट करते हैं तो कैश को लेकर के बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होती है। इसी वजह से ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि अब जो भी लोग दान देना चाहते हैं वो लोग कैश दान दीजिए, क्योंकि कैश भी अगर आप देखें निश्चित तौर पर तो 100 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। लेकिन और मंदिर का काम भी लगातार अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को गए थे, वहाँ पर पूरा भूमि पूजन हुआ, बाकायदा एक जो चांदी की ईंट थी वो रखी गई जिसे शिला आधारशिला कहा गया और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी अंकित था। तो इसके साथ ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, 100 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं, 2 क्विंटल चांदी पहुंच चुका है, तो अब कह दिया गया है कि चांदी और ना भेजा जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। राम मंदिर से जुड़ी हर खबर आपको यहां पर लगातार मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजा लीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।